ओम नमः शिवाय। आइए आज गोचर फल में ही एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर चलते हैं, जो गोचर फल के तो अलावा ही दशा अंतर दशा कितनी भी अच्छी चल रही हो उस समय भी इसको जान लेना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आज हम 7.5 साथी के संपूर्ण रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे और 4 टॉपिक होगा जो इस पे लिखा हुआ है। सर्वप्रथम है कि 7.5 साथी किसको लगती है, दूसरा लग्न राशि को भी क्या 7.5 साथी देखें या नहीं देखें इसका भी हम विवेचन करेंगे। सबसे अधिक प्रभाव ये 7.5 साथी का कब पड़ता है और सबसे कम प्रभाव कब पड़ता है निगेटिव के तौर पे उसे देखेंगे, और अंत में देखेंगे कि किस राशि वालों को इस 7.5 साथी का प्रभाव सबसे अधिक होता है और किसको सबसे कम होता है घटते हुए क्रम में। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी इसलिए 7.5 साथी के उपायों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि 7.5 साथी किसे लगती है। तो सर्वप्रथम हम ये जान लें कि 7.5 साथी देखने की जो प्रचलित परंपरा है वो चंद्र राशि से देखते हैं, और चंद्र राशि स्वतंत्र कुंडली भी होती है। हम लोग जानते हैं 3 प्रकार की कुंडलियाँ, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, जिसमें लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली का विशेष महत्व है। सुदर्शन चक्र ज्योतिष में तीनों को देखा जाता है। तो जो योग आदि लग्न कुंडली से देखती कही जाती है, तो जिस भी राशि पे शनि राशि से 12वें भाव में आते हैं तो 7.5 साथी का प्रारंभ होता है। और हम जानते हैं कि 2.5 साल इसमें और 2.5 साल प्रथम भाव में और 2.5 साल द्वितीय भाव, तीनों को मिला करके 7.5 वर्ष लगता है, इसीलिए इसको हम 7.5 साथी बोलते हैं। तो क्या 7.5 साथी में केवल परेशानी परेशानी रहेगी? तब तो 7.5 साल में व्यक्ति मानसिक रूप से इतना टूट जाएगा कि कुछ करने लायक ही नहीं रहेगा। और हम लोग जानते हैं कि 7.5 साथी में मोदी जी प्रधानमंत्री भी बन गए, तो अब ये जानना आवश्यक हो जाता है कि 7.5 साथी कब बहुत अधिक परेशान करती है और कब लाभ भी दे सकती है। तो अब यहाँ 12वें आते हैं, तो किसी भी राशि यहाँ पर क्यों ना हो, यहाँ पे 12वें 7.5 साथी लगती है। और इसको सर पे कहते हैं, इसको छाती पे कहते हैं, इसको नीचे नीचे पैरों पे कहते हैं, उतरती हुई 7.5 साथी। तो हम लोग जानते हैं लग्न, और इसी को कहते हैं चंद्र लग्न, अर्थात ये मन होता है और लग्न शरीर होता है। जो भी हो दोनों अर्थों में ये लग्न ही कुंडली, चंद्र कुंडली भी बनती है तो लग्न होता है तो ये सर होता है, और लग्न कुंडली में भी लग्न से हम लोग सर देखते हैं। और हम लोग ये जानते हैं कि सर ही हमारे शरीर का संपूर्ण हिस्सा है, यही मास्टर ग्रंथि होती है, वही पूरे शरीर को संचालित करती है, इसी में दिमाग भी होता है। तो ये जो शनिदेव आते हैं इसको प्रभावित करते हैं किसको, दिमाग को। और दिमाग को जब प्रभावित कर देते हैं और भी भावात भावम के रूल को जब हम लागू करेंगे तो ये पंचम से कहाँ होते हैं, 8वें होते हैं, अर्थात इस भाव को भी ये परेशान कर देते हैं। और यहाँ से ये चौथे होते हैं, अर्थात इस शनि की दृष्टि यहाँ होती है। तो ये जो शनि के 7.5 साथी है ये सबसे डेंजर चढ़ती हुई 7.5 साथी मैं मानता हूँ। अब कैसे, क्योंकि यहाँ से दृष्टि धन पे जाती है, धन नाश होगा, यहाँ से दृष्टि आती है रोग रिपु ऋण पे आती है। तो ये दृष्टि जो है 50% ही दूसरे नंबर पे, 75% ही होती है, पूर्ण दृष्टि तीसरी और 10वीं, अर्थात भाग्य भाव पे पड़ती है और भाग्य में अवरोध आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा पिता आदि के स्वास्थ्य में बिगाड़ होना शुरू हो जाता है, और तीसरा पुत्र से 8वां है, अर्थात इस भाव को भी ये शनि बिगाड़ते हैं, और इसी से हम बुद्धि विवेक आदि भी देखते हैं। तो यहाँ से अष्टम होने के कारण इस भाव का भी ये नुकसान करते हैं, तो बुद्धि ढंग से काम नहीं करती। और यहाँ से 12वें हैं तो इसको तो पूरी तरीके से ये डैमेज करते हैं। तो यहाँ से जैसे ही शनि आते हैं तो हमारी सोचने की जो क्षमता है, एक तो रौ में हो रहा होता है कि हम जो सोचते हैं हो ही जाता है, अब उसी लॉ में हम सोचते हैं, अब यहाँ पे हमारी बुद्धि गड़बड़ हो जाती है, हम जो है निर्णय लेते हैं वो सही निर्णय
नहीं ले पाते हैं और सही निर्णय जब नहीं ले पाते हैं तो इस निवेश की हानि होती है, धन की संचित धन की हानि होती है, भाग्य की हानि होती है और शनि के चूँकि यहाँ स्वयं बहुत कमज़ोर हो जाते हैं बारहवें में जा करके, तो शनि स्वयं कमज़ोर हो जाते हैं और बारहवें को हम पैरों आदि से देखते हैं, शनि पैरों के कारक आदि भी हैं तो पैरों आदि पे यहाँ पे चोट लगने की बहुत संभावना रहती है। ये रोग वकाश हॉस्पिटल आदि का भाव है और ये विदेश यात्राओं का भी भाव है, तो ये सब भाव बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है और इसके कारण से ये बहुत परेशान करती हुई ये देखती है। पर लग्न में तो लग्न में आते हैं तो ये भी छाती है, यहाँ आकर के भी पकड़ते हैं ये तीन राशियों को और तीन राशियों को पकड़ लेने के कारण यहाँ से ये तीसरी दृष्टि और यहाँ से सप्तम दृष्टि और यहाँ से दसवीं दृष्टि, तो यहाँ से भी जो है हेल्थ पूरे शरीर का हेल्थ यहाँ से भी दिक्कत होती है, यहाँ भी निर्णय लेने में हम असमर्थ रहते हैं, उचित निर्णय नहीं ले पाते और साथ में यहाँ से दसवीं कर्म आदि भी जो हमारे बहुत ढंग के नहीं रह पाते, नौकरी आदि जाने का खतरा होता है, दाम्पत्य जीवन यहाँ से विशेष प्रभावित होता है यहाँ से। और उसके बाद से तब ये जब यहाँ आते हैं तो ये उतरती हुई साढ़े साथी राहत इसलिए दे जाती है क्योंकि ये यहाँ से कर्म भाव छूट जाता है, भाग्य भाव भी छूट जाता है, अर्थात भाग्य भाव अप्रभावित रहता है, कर्म भाव भी अप्रभावित रहता है, परंतु माता के स्वास्थ्य की दिक्कत होती है, सुख यहाँ से भी नहीं मिलता। तो चूँकि जो ये 5 सालों में जो काफ़ी डैमेज हुआ रहता है व्यक्ति, उसकी भरपाई में रातों दिन घूमता रहता है तो यहाँ से सुख उसका चला जाता है, चैन चला जाता है पर उसकी भरपाई करने में, और माता जी की बीमारी आदि बढ़ सकती है और इसके कारण भी परेशानी। अब इसके भी अलग अलग उम्र में साढ़े साथी का प्रभाव भी अलग अलग स्थितियों पे देखा जाता है क्योंकि देश काल परिस्थिति हावी होती है। अब देखते हैं कि साढ़े साथी क्या लग्न राशि से भी लगती है या नहीं, तो निश्चित तौर पे साढ़े साथी लग्न राशि से लगती है, मेरा स्वयं का अपना अनुभव है, क्यों लग्न अनुभव है और अष्टक वर्ग सिद्धांत के अनुसार ग्रह दुस्थान भाव में जाता है तो निश्चित तौर पे अच्छा नहीं है, अर्थात यदि यहाँ लग्न भी है और शनि बारह में जाते हैं तो ये लग्न की हानि करेंगे, पंचम भाव की हानि करेंगे, ये भाग्य भाव अर्थात नवम भाव की हानि करेंगे, इस द्वादश भाव की भी हानि करेंगे, इस द्वितीय भाव की भी हानि निश्चित तौर पे करेंगे। इसीलिए इस शनि को लग्न से भी ये द्वादश भ्रमण कर रहे हैं तो अच्छा नहीं माना जाता। अब किस राशि में शनि है, ये 12 प्रकार की राशियां यहाँ पे होगी, तो 12 प्रकार का इस चढ़ती हुई साढ़े साथी का भी असर देखा जाएगा, चूँकि यहाँ 12 प्रकार की राशि होगी तो यहाँ भी 12 प्रकार की राशि हो जाएगी, तो ये जो चढ़ती हुई साढ़े साथी का जो स्तर होगा किसको कितना प्रभाव पड़ेगा, किसको पूरी तरह से डैमेज कर देंगे, किसका एक्सीडेंट होगा तो थोड़ा सा फ्रैक्चर उक्चर होके रह जाएगा, किसका एक्सीडेंट होगा तो टूट जाएगा कच्चा प्लास्टर होगा, किसका पक्का प्लास्टर होगा, किसका ऑपरेशन करके राड पड़ेगा, किसका चूर चूर हो जाएगा, कौन विकलांग हो जाएगा और कौन एक्सीडेंट में मारा जाएगा, तो ये सब भी तो ये सारे स्तर होंगे। तो इस राशि के आधार पर हम इसको देखेंगे कि किस को कितना असर जाएगा, किसका 1-2 हज़ार का घाटा होगा, मतलब अपनी पूंजी का 10% घाटा जाएगा, किसको अपनी पूंजी का 50% लॉस हो जाएगा और कौन करोड़पति से रोडपति हो जाएगा, ये भी यहाँ पे देखना है। तो वो देखेंगे हम लोग कैसे, तो ये हमने देख लिया कि साढ़े साथी लग्न से भी लगती है क्योंकि लग्न ही हमारा मस्तिष्क है, चेहरा है, अष्टक वर्ग सिद्धांत के अनुसार ग्रहों के जो गोचर हम विचार करते हैं तो 8 ग्रहों से करते हैं, उसमें लग्न भी एक आता है और अन्य सभी ग्रह भी आते हैं, तो इसलिए लग्न से भी अवश्य देख लिया कीजिए, क्योंकि चंद्रमा से हमारे शनिदेव एकादश में शुभ गोचर में थे और अपनी सम राशि वृश्चिक राशि में थे तो भी मेरा पैर टूट गया, जबकि वो राशि से एकादश से और लग्न से द्वादश थे, तो लग्न से द्वादश होने के कारण वह शनि हमारे पैर को तोड़ दिए, घुटना ऑपरेशन वगैरह सब हुआ, धन का नुकसान भी हुआ लेकिन बहुत रुका नहीं क्योंकि राशि से एकादश थे तो अन्य सारी चीज़ें ठीक थी, दशाएँ बड़ी उत्तम थीं तो इसलिए ठीक ठाक हो गया और फिर से आपके सम्मुख उपस्थित हैं, काम मकान वकान बन रही थी बनती रही, किसी और ने बनाया, धन की हानि हुई केवल यही हुआ और पैर की हानि नुकसान हुई जो 4 साल पेरी
उसके बाद ये साढ़े साथी यहाँ से जब यहाँ आती है तो लग्न पे भी लगती है। तो हमने देखा कि ये जो साढ़े साथी है लग्न पे लग जाना ये ज़्यादा प्रभावित करती है, और तो दोनों ओर से 5 साल हम तो प्रभावित रहे इस साढ़े साथी से, उतरती हुई साढ़े साथी। अब यदि राशि से साढ़े साथी देखें तो मकर राशि अभी है और मकर राशि पे चल रही है, धनु लग्न है तो उतरती साढ़े साथी है, लेकिन राशि पे मिड फेज में देखा जाए तो साढ़े साथी को अधिक प्रभाव करना चाहिए। लेकिन जब से मकर राशि में शनि आए हैं राहत भी हो गई है, ज्योतिष में आपके सम्मुख आए हैं अर्थात ये सस महापुरुष नामक जो राजयोग है इसको भी सक्रिय मान सकते हैं, गोचर में अच्छा ही जा रहा है। यद्यपि दशाएं विपरीत हैं, तब गुरु की महादशा थी और शनि देव की महादशा है, और शनि अपने सबसे निकृष्टतम भाव में बैठे हैं जहां उनको अष्टक वर्ग में भी 0 अंक मिला हुआ है, और अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, धनु लग्न की कुंडली शत्रु राशि में भी बैठे हुए हैं, वहाँ पर चल रहे हैं, तो थोड़ी सी अर्थहानि हुई है, फिर भी मैं अपने विगत की स्थितियों से काफ़ी बेहतर हूँ। तो इसीलिए लग्न राशि से भी साढ़े साथी अवश्य देखा कीजिए। अब चलते हैं, देखते हैं कि सबसे अधिक और सबसे कम प्रभाव किसको देती है, तो उसके लिए सबसे अधिक का प्रभाव अब देखिए शनि देव यहाँ पे है, गोचर वसात चंद्रमा से ही यदि गोचर का विचार कर रहे हैं तो शनि यहाँ बुरे प्रभाव करने वाले हैं, तो यहाँ भी तो 2.5 साल लगेंगे। इस 2.5 साल में शनि कब सबसे अधिक प्रभावित करेंगे, तो जब ये अन्य ग्रहों से पीड़ित हो जाएंगे और अन्य ग्रहों का भी गोचर बिगड़ जाए और आपका जो योग कार्य ग्रह है वो भी बिगड़ जाए, अर्थात यूँ कहें कि आपकी दशानाथ और अंतर दशानाथ भी खराब जा रही हो, तो उस समय इस साढ़े साथी का प्रभाव निश्चित तौर पे अति भयावह होगा। उस समय बड़े काम नहीं करने चाहिए, जैसे लोन वगैरह लेना, बहुत बड़ा रकम किसी को उधार देना, बहुत बड़ा निवेश करना, ये सब काम तो बिल्कुल इस भाव को बहुत बड़ा निवेश करना जब और बहुत बड़ा पैसा किसी को यहाँ उधार दे देना और यहाँ पे भाग्यवशात किसी कार्य को कर लेना ये नहीं करना चाहिए, फंस जाएगा, बहुत बुरे तरीके से पड़ेंगे। जब वाहन वहाँ अगर चलाते समय भी सावधान रहना चाहिए। तो हमने कहा कि देखिए साढ़े साथी सबसे अधिक कब प्रभाव करती है, तो सबसे अधिक प्रभाव करेगी जैसे सूर्यदेव का गोचर भी द्वादश में हो जाए, यहाँ पे शनि देव संचरण कर रहे हैं, सूर्यदेव का गोचर यहीं पे आ जाए तो अस्त भी हो सकते हैं ये, और दोनों ग्रह मिला करके और बुरा प्रभाव डाल लेंगे। और जिस दिन ढाई दिन पे चंद्रमा बदलते हैं, जिस दिन चंद्रमा का भी गोचर खराब हो जाए, चंद्रमा यहाँ चले आए, चंद्रमा यहाँ चले आए, उस दिन निश्चित तौर पे अनिष्टकारी स्थितियाँ हो जाती हैं। अब क्योंकि रोज़ तो पैर टूटेगा नहीं, 2.5 साल का है, तो किस दिन टूटेगा, जिस दिन चंद्रमा भी खराब हो जाए, अर्थात चंद्रमा भी अष्टम में आ गया या द्वादश में आ गया, सूर्य आदि भी है, आपका दशानाथ भी कहीं अष्टम से गोचर कर रहा है, अपनी नीच राशि से गोचर कर रहा हो, तो वो टाइम जिस दिन चंद्रमा भी बुरा हो जाएगा स्थिति, उस वो दिन सबसे खतरनाक होगी। सबसे कम तो इसी का उल्टा कर लेते हैं, आप समझ जाएंगे कि जिस दिन पे आपका दशानाथ अच्छी स्थिति में है, अंतर दशानाथ अच्छी स्थिति में है, प्रत्यंतर दशानाथ कह सकते हैं अच्छी स्थिति में है, और अन्य ग्रह गोचर से ठीक ठाक जा रहे हैं, तो ये साढ़े साथी आपको बहुत कम प्रभावित करेगी, और उस समय पे कुछ अच्छे और बड़े कार्य भी कर सकते हैं बीच बीच में। अब मंगल से भी ये पीड़ित हो सकते हैं, राहु केतु के अक्ष में आकर के, राहु केतु का भी गोचर अब शनि का यहाँ है और राहु अष्टम से गोचर कर रहे हैं, तो अब ये अष्टम का राहु भी मृत्युतुल्य कष्ट देता है, और यहाँ से ये ग्रह अब बाट लगा करके ये दोनों ग्रह रख देंगे, शनि और राहु का षडाष्टक बने, और वो भी षडाष्टक कहाँ से बने, शनि यहाँ हो, राहु अष्टम में हो, लग्न में शनि हो, यहाँ पे शनि हो और राहु यहाँ से यहाँ पे, तो अब ये क्या होगा पत्नी के लिए, आपके स्वयं के लिए, पत्नी की मृत्यु आदि तक कराने के लिए भी स्थिति पर्याप्त हो जाएगी, और यात्रा आदि में कष्ट की विशेष संभावना बढ़ जाएगी, तो ये ऐसी स्थितियों को समझेंगे। और आगे चलते हैं कि किस राशि को सबसे अधिक प्रभावी और किस राशि को सबसे कम, यहाँ पे एक
पाँच और नौ, एक पाँच नौ नंबर की राशि रहेगी, तो यहाँ एक होगा तो यहाँ पाँच होगा, यहाँ नौ हो जाएगा, यहाँ पाँच होगा तो यहाँ नौ, यहाँ एक, और यहाँ नौ, यहाँ एक, यहाँ पाँच। हम जान रहे हैं कि शनिदेव जब यहाँ से संचरण कर रहे हैं तो इस भाव का भी हानि करते हैं और इस भाव की सबसे बड़ी हानि करते हैं और इस भाव की भी हानि करते हैं। तो इसी कारण जब ये एक पाँच नौ होगा तो ये कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, ये लग्न स्वयं होते हैं, दूसरा यहाँ से बुद्धि देखते हैं और यहाँ यहीं से संतान को देखते हैं, यहाँ से पिता को, भाग्य को और धर्म को देखते हैं। तो शनि इन चीज़ों को प्रभावित करते हैं, इसीलिए जातक के जीवन में सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। और ये प्रवृत्ति भी अग्नि प्रवृत्ति है, इसलिए ये जल्दीबाजी वाले निर्णय लेने वाले जातक होते हैं, इसलिए इन जातकों को शनि काफ़ी प्रभावित करता है और ये अति शत्रु दृष्टियाँ हो जाती हैं, इस भाव से अति अष्टम गोचर कर रहे होते हैं और इसलिए इस भाव को भी बिगाड़ते हैं और इस भाव से भी ये शत्रु होते हैं और इस भाव को बिगाड़ रहे होते हैं। इसके बाद जो राशि आती है वो आती है दो चार आठ बारह, चार आठ और बारह यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो ये जल तत्व की राशियां हैं और इनका शांत स्वभाव अपेक्षाकृत होता है और ये देखेंगे कि ये भी शुभ है और ये शुभ ग्रह होता है, ये क्रूर ग्रह है पर अपनी साधारण राशि है। तो जल तत्व की राशियों का साधारण व्यक्तित्व होने के नाते चारों त्रिकोण जल तत्व ही आएगा, तो शनिदेव थोड़ी सी रहम करते हैं पर इनको भी नुकसान तो उठाना ही पड़ता है, थोड़ा सा कम एक पाँच नौ वालों की अपेक्षा। अब चलते हैं उससे कम, तो दो छः और दस, दो छः दस ये हैं पृथ्वी तत्व की राशियाँ और पृथ्वी तत्व की राशियों में थोड़ी सी स्थिरता हो जाती है और एक त्रिकोण ही शनि देव का बनता है, ये तीनों त्रिकोण भी एक के स्वामी स्वयं शनि देव ही हो जाते हैं, इसीलिए कुछ राहत हो जाती है और एक त्रिकोण को तो नुकसान वो नहीं करते हैं। शेष इनके मित्र त्रिकोण होते हैं ये भी, और ये भी मित्र राशियां होती हैं इसीलिए कम नुकसान करते हैं। पर उसमें भी देखिए वृषभ को यदि लेते हैं तो शनिदेव यहाँ एक नंबर में नीच के भी हो जाएंगे, तो यहाँ पे वृषभ राशि को सबसे, इसमें भी वृषभ राशि को सबसे अधिक परेशान कर जाएंगे, इसलिए वृषभ राशि भी परेशान होगी और साथ में पैर वगैरह टूटने उठने का विशेष स्थिति रहेगा, विदेशों में नुकसान की स्थिति विशेष तौर से बनी रहेगी। और उससे उसके बाद दो चार, दो छः दस, छः नंबर रहता है तो पाँच नंबर यहाँ शत्रु राशि में रहते हैं, तो इस भाव का बंटाधार निश्चित तौर पे होना है, शनि अच्छा महसूस नहीं करेंगे, शत्रु राशि में गोचर करेंगे, पैरों आदि पे विशेष परेशानी होंगे। बारह राशियों में जब यहाँ शनि आएंगे, यहाँ बारह राशियों के यहाँ बारह, तो जिन जिन राशियों में जा रहे हैं उस प्रकार का नेचर वो दिखाएंगे, उनके स्वयं उस राशि में स्थित होने का प्रभाव है। दूसरा अष्टक वर्ग के सिद्धांत को भी ले लेना है कि अष्टक वर्ग में इस कितने बिंदु मिले हुए हैं और शनि ने भिन्नाष्टक वर्ग में भी अपने को वहाँ दिया है कि नहीं, यदि जीरो या एक अंक यहाँ मिला हो तो ये जीरो मिला हो तो शनि बहुत खराब फल कर जाएंगे और यदि तीन अंक मिले हुए हैं तो कहा जाता है चलिए ओवरऑल ठीक है। अब दो हमने देख लिया कि तीन सात और ग्यारह, ये तीन सात ग्यारह वाली राशियों को शनिदेव सबसे कम प्रभावित करते हैं। तो दो चार दस और ग्यारह, दस और ग्यारह शनि की अपनी राशियां हैं, तो अब कहा जाता है कि अपनी राशियों को शनिदेव नुकसान नहीं करते, नहीं जनाब करते हैं, क्योंकि दस नंबर मेरा ही है और दस नंबर थे और साढ़े साथी में विशेष परेशान हुए हैं और ग्यारह नंबर उधर हैं जो मैडम जी हैं उनका भी पैर टूटा और दस नंबर मेरा है तो मेरा पैर टूटा, तो मेरा पैर टूटा कब, लग्न से जब द्वादश से और राशि से एकादश से तब टूटा, इसलिए दशा भी अच्छी थी परंतु लग्न से भी साढ़े साथी का जो प्रमाण दिया वो यथोचित है, वो भी आवश्यक है, उसे भी संभाले रखिए। अब इसमें विषय था कि सबसे अधिक प्रभावित क्यों ये कर रहे हैं, सबसे कम प्रभावित कर रहे हैं किसको, तो कुंभ को, उससे कम मकर को, उससे कम प्रभावित कर रहे हैं मिथुन को, उससे कम प्रभावित करेंगे अपना ये इसको कन्या को, वृषभ को, उसके बाद उससे भी अधिक प्रभावित करेंगे आपको मीन को।